नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। बिहार SSC का एग्ज़ाम जो 25/12 2020 को हुआ था मुख्य परीक्षा, उसके रिजल्ट का जो प्रकाशन है उससे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर आपके पास आया हूं। अगर आप लोग BSSC का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि BSSC का जो रिजल्ट प्रकाशन है वो कितने दिन में होने वाला है और यह दिन आपको बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आज का जो नोटिस है, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय का आदेश है, ठीक है। आपने कुछ दिन, 2-3 दिन पहले पेपर में सुना होगा, जो पेपर में पेपर कटिंग एक वायरल हुआ था उसमें दिया हुआ था कि बिहार SSC का जो मार्किंग है क्वेश्चन का, OMR का, वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये नोटिस है। इसमें यह बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यालय का आदेश है और यह जो है आज के डेट का, यानी 14 जनवरी 2021 का लेटर है। इसमें कहा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 06060114, ये है BSSC मुख्य परीक्षा का, ठीक है, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित कार्य हेतु निम्नलिखित 7 प्रशाखा पदाधिकारी एवं 7 सहायकों को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है। तो इस लेटर का कहने का मतलब है कि ये जो नोटिफिकेशन संख्या विज्ञापन संख्या 06060114 जो है, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता पर 2014 से संबंधित कार्य, यानी कि इससे संबंधित वही कार्य जो OMR का चेक जो हो रहा है, मार्किंग किया जा रहा है, वही कार्य हो रहा है अभी इससे संबंधित। तो उसी कार्य को करने के लिए ये जो सामान्य प्रशासन विभाग है उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि 7 प्रशाखा पदाधिकारी और 7 सहायक को आदेश दिया गया है कि यह जो लेटर 14 तारीख को जो निर्गत हुआ है, इस तारीख से 15 दिन के लिए आपको BSSC के ऑफिस में, वो भी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता का जो संबंधित कार्य है उसको आपको करवाना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो 15 दिन का समय दिया है तो इस 15 दिन में OMR का जो मार्किंग है वो पूरा कर लिया जाएगा, यानी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जल्द ही आने की संभावना है। और आगे कह रहा है इसमें लेटर में कि श्री सत्येंद्र नारायण शाही प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, भवन निर्माण विभाग, किस किस को पदस्थापित किया गया है, 14 को है साथ साथ दोनों, श्री यशवीर सिंह प्रशाखा पदाधिकारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, श्री रितेश रंजन प्रशाखा पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग, श्री अरविंद कुमार अरुण प्रशाखा पदाधिकारी जल संसाधन विभाग, श्री संजय कुमार सिन्हा प्रशाखा पदाधिकारी पथ निर्माण विभाग, श्री बिजनंदन पासवान प्रशाखा पदाधिकारी वित्त विभाग, श्री सुदीप कुमार प्रशाखा पदाधिकारी उद्योग विभाग, ठीक है। 7 जो हो गया वो प्रशाखा पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है और उसके बाद 7 जो है सो सहायक को नियुक्त किया गया, यानी टोटल 14 अधिकारी को BSSC के कार्यालय में बिहार इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा जो हुआ है उसके उससे संबंधित कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। और आगे कह रहा है इस लेटर में कि प्रतिलिपि जो है सो अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यानी कि जितने भी विभाग जो ऊपर दिया हुआ था, 7 विभाग का प्रशाखा पदाधिकारी था और 7 विभाग का सहायक था, सभी विभाग को यह लेटर भेज दिया गया है 14 तारीख को। और इसी डेट यानी 14 तारीख के डेट से ही 15 दिन के लिए इन लोगों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में किया गया है।
और संबंधित विभाग कार्यालय से भी यह भी अनुरोध है कि प्रतिनियुक्त प्रशाखा पदाधिकारी सहायक यदि अवकाश प्रशिक्षण अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण विभाग कार्य का निष्पादन कर रहे हो तो विभाग यदि चाहे तो उनके स्थान किसी अन्य प्रशाखा पदाधिकारी को अविलंब प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से आयोग में करते हुए इस विभाग को सूचित करेंगे। अब ये सामान्य प्रशासन विभाग जो लेटर निकाला है कि 7 प्रशाखा पदाधिकारी और 7 सहायक का जो नियुक्ति करना है, तो जिन जिन लोगों का नाम उसमें दिया हुआ है तो इसमें कह रहा है कि अगर वो किसी दूसरे जो आवश्यक कार्य है या कोई अगर ट्रेनिंग में चल रहा हो, यानी कि जो ट्रेनिंग होता है रिफ्रेशर का, उस ट्रेनिंग में चल रहा हो, तो उनके जगह पर किसी दूसरे प्रशाखा पदाधिकारी, किसी अन्य प्रशाखा पदाधिकारी अथवा सहायक की अविलंब प्रतिनियुक्ति। यहाँ पर अविलंब प्रतिनियुक्ति कहने का मतलब होगा कि इसमें जल्दी से जल्दी यह नियुक्ति करने के लिए कह रहा है, और इसका कहने का मतलब हुआ कि बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, यानी कि जनवरी खत्म होते ही फरवरी में या मार्च में तो आपका रिजल्ट 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन मिला है इस वीडियो से, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और इसी तरह ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे मैं और ढेर सारा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।